नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति और आई रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले खबर यूपी के बस्ती जिला से आ रही है। यूपी के बस्ती जिला के अकेला कुबेरपुर गांव में सफाई कर्मी कभी नाले की सफाई नहीं करता, जिससे नाली जाम हो गया है और नाली का पानी बाहर ही बहने लगा है, जिससे लोगों को आने जाने में तकलीफें होती हैं। और गाँव के लोग सब नाली की सफाई कर रहे हैं। शिकायत करने पर सफाई कर्मी धमकी देता है कि क्या कर लोगे हमारा, हम सरकारी नौकरी करते हैं, तुम्हें जो करना है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए अकेला से अशोक की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोक कुमार के साथ फास्ट न्यूज इंडिया, जो कि यहाँ हम ग्राम सभा अकेला कुबेरपुर के ग्राम लगन में पहुँचे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि साफ सफाई में सफाई कर्मी का कोई ध्यान नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं कि अब सफाई कर्मी जो गाँव वाले हैं, गाँव के युवक हैं, अपना काम खुद ही कर रहे हैं, साफ सफाई का काम अपने ही कर रहे हैं और यहाँ सफाई कर्मी कभी नहीं आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ सफाई कर्मी कितनी बार आते हैं। सफाई कर्मी तो एक बार नहीं आते हैं, पूरी साल साल बीत जाता है, सफाई कर्मी का पता नहीं है तो सफाई कर्मी नहीं आते। तो ये काम आप कर रहे हैं? हाँ, हम यहाँ काम कर रहे हैं कि यहाँ पर मच्छर वच्छर की बहुत समस्या होती है, मच्छर बहुत लगते हैं और फिर यहाँ जो है यहाँ आप सब देख रहे हैं साफ और दिन में ही चलते रहते हैं। और लोग से यहाँ आप देख सकते हैं सफाई कर्मी गाँव वालों का कहना है कभी नहीं आते, 5 साल में 5 बार नहीं आते सफाई कर्मी। बिहार के समस्तीपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। बिहार के समस्तीपुर जिले के अंतर्गत उजियारपुर प्रखंड स्थित रामचंद्रपुर अंदहल पंचायत के चंदौली गांव में एक गाय ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। जी ये बड़ी खबर, वहीं बच्चा जन्म लेते ही मृत पाया गया। जब इस घटना की जानकारी होने के बाद गांव में काफी लोगों ने उस घटना स्थल पर देखने आए तो ऐसे देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा कि यह गाय एक चमत्कारी गाय है। अफसोस की बात यह है कि गाय का जो बच्चा है वो जिंदा नहीं रहा। गाय फिलहाल स्वस्थ है। वहीं मौजूद ग्रामीण पशु चिकित्सक डॉक्टर संजीत चौधरी व मुन्नी लाल सिंह ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद उस गाय के बछड़े को निकाला गया। लगभग 2 से 3 घंटे काफी मशक्कत करनी पड़ी। अफसोस की बात है कि दोनों बच्चा बाछी था और मृत पाया गया। उक्त गाय किसान लक्ष्मण साहनी की है। चंदौली से अर्जुन साहनी की रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो गाय का बच्चा जो निकाला गया है उसके बारे में क्या करना है? डॉक्टर संजीत कुमार चौधरी और डॉक्टर मुन्ना कुमार जी के द्वारा विधान चौक निकाला गया है। दो आठकर है। अच्छा, ये यही बच्चा है? बच्चा इसको दिखाया जाए, इसका आठ पैर है, 2 मीटर से भाग 2 मुंह है और जो है सिर्फ पीछे का पोजीशन 2 है जी। इधर दोनों बाछी का पोजीशन है, बाछी बच्चा बाछी बच्चा मिट पाया गया। हाँ, मिट पाया, मिटते निकाला गया है, मिटते निकाला गया है जी। आपका नाम? मुन्ना कुमार पद्दार, बुधन चौक। गाय कैसा है? गाय तो अभी ठीक है, गाय में कोई दिक्कत नहीं है, गाय स्वस्थ है। गाय स्वस्थ है, गाय में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा कठिन से निकला है बच्चा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, गाय भी स्वस्थ है। यहाँ पर गाय का बछड़ा जन्म लिया है क्या? बाछी है, बाछी बच्चा था। अच्छा, और नेत निकाला गया डॉक्टर संजीत कुमार चौधरी और डॉक्टर मुन्नी पोदार जी के द्वारा जी। गाय स्वस्थ है और बच्चे को 8 पैर, 2 मुंह, पीछे से 2 भाग, 2 भाग बच्चा था, पोजीशन हर पार्ट था और जुड़ा हुआ बच्चा है, जुड़वा बच्चा है, जैसे जुड़वा बच्चा जैसे पढ़ा लग। तो इसको निकालने में करीबन कितना समय आप लोग को लगा? लगभग 2 से 2.5 घंटा। 2 से 2.5 घंटा लगा? 2.5 घंटा। अच्छा, यही बच्चा है? थोड़ा 2 से 2.5 घंटा लगेगा। और गाय स्वस्थ है? गाय बिल्कुल स्वस्थ है, गाय कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये किन की गाय है? गाय तो लक्ष्मण सानी की गाय है, चंदौली। अच्छा, राजस्थान के झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे से खबर आ रही है, जहां पर बसें नहीं चलने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भवानी मंडी बस स्टैंड पर यात्री रोजाना बस से सफर करने के लिए बस स्टैंड आते हैं, मगर प्रशासन द्वारा बसें नहीं चलाई जाने पर यात्रियों को बस स्टैंड से वापस घर जाना पड़ रहा है। देखिए भवानी मंडी से राहुल नागर की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे में मैं आज हूँ बस स्टैंड पर, और यहाँ पर कोरोना लॉकडाउन की वजह से बसें नहीं चलने से यात्रियों को खासा
परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कुछ बसों का सीन दिखाया जाए, यात्रियों को यहाँ पर बसें नहीं चलने से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सीन बता दे अपन, बस बंद पड़ी है ना। हमारे साथ कुछ यात्री हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि बसें नहीं चलने के कारण यात्रियों को किन किन परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपका नाम बताइए सबसे पहले। कमलदीप वैष्णव। कमल? कमलदीप वैष्णव। कमलदीप वैष्णव इनका नाम है। और कहाँ पर जाना है आपको? पता नहीं जाना है। बकानी जाना है। कहाँ से आए हो आप? बकानी से आए, डेढ़ घंटा हो गया। अच्छा, डेढ़ घंटे से आप इंतजार, बस का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, किन परेशानियों का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारी परेशानियाँ हैं, यहाँ पर प्राइवेट बसें भी नहीं चल रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल, प्राइवेट बसें भी यहाँ पर नहीं चल रही हैं और यात्रियों को खास आप परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कहाँ पर जाना है आपको? बकानी, झालावाड़। बकानी, झालावाड़ बकानी इनको जाना है। डेढ़ घंटे से यहाँ पर ये वेट कर रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे यात्री यहाँ पर सुबह से बस का वेट करते करते ही चले गए। तो मैं शासन प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द बसों को चलाया जाए और यात्रियों को सुविधा दी जाए। कैमरामैन में रोहित के साथ राहुल। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के देहरादून जिला के डॉक्टरगंज में लॉकडाउन का दूसरा दिन शांतिपूर्ण रहा। लोग अपने घरों में रहकर नियमों के साथ पालन कर रहे हैं। जरूरी सेवाएं चालू हैं और लोग जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में कोरोना से बचाव संभव है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। देखिए डॉक्टरगंज से सविता रानी की रिपोर्ट। मैं सविता रानी, फास्ट न्यूज इंडिया से विकास नगर देहरादून के मेन मार्केट में मौजूद हूँ। कोरोना महामारी की बढ़ती संख्या के चलते आज लॉकडाउन का दूसरे दिन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। बाजार पूर्ण रूप से बंद है, परंतु आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कुछ लोगों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। धन्यवाद। अगली खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के केलाखेड़ा में समाज सेवी शाहे रूम उर्फ टोनी पठान के द्वारा आज अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि एक सामाजिक व्यक्तित्व हूं और लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूं और समय समय पर जुर्म के खिलाफ आवाज उठाकर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराता हूं। तो मेरी लोकप्रियता एवं मेरी कामयाबी देखकर कुछ लोग बहुत ज्यादा विचलित हैं और मैं पूर्व में भी दो बार विधायकी का चुनाव लड़ चुका हूं। केलाखेड़ा क्षेत्र के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मेरी छवि धूमिल करने का व मेरी राजनीतिक पतन करने का मेरे व मेरे परिवार पर षड्यंत्र कुछ लोगों द्वारा रचा जा रहा है। टोनी पठान के द्वारा कहा गया कि 14/7/2020 को किसी असामाजिक व्यक्ति के द्वारा पुलिस को सूचना देने पर लगभग शाम 6 बजे केलाखेड़ा थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश मेरे कार्यालय पर छानबीन करने पुलिस दल बल के साथ पहुंच गए। उनके द्वारा काफी छानबीन की गई तथा मेरे ऑफिस के सामान को भी उलट पुलट कराकर काफी पूछताछ की, लेकिन मेरे ऑफिस में कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ। जब इस मामले में लिप्त होता तो मेरे पास से कुछ न कुछ सामान या ऑफिस में अवश्य रूप से मिलता। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। ये सूचनाएं आती रहती हैं, आजकल नशे और अन्य खनन सामग्रियों पर जो है निरोधात्मक कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो नशे के विरुद्ध अभियान चल रहा है। तो किसी व्यक्ति द्वारा गोपनीय तरीके से सूचना दी गई, उस सूचना की पुष्टि के लिए उनके वहाँ हमने उनका ऑफिस को चेक किया। ऐसा है, वो जो जिस चीज़ की प्रतिबंधित सामान की जो सूचना थी वो हो सकता है कि हम उस जगह तक नहीं पहुंच पाए हों, छोटी मात्रा में थी, वहाँ सामान बहुत ज़्यादा था, हो सकता है कि हम सर्च नहीं ढंग से कर पाए हों। क्यों भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई और तरीके की होगी तो हम ज़्यादा फोर्स ले जाकर सर्च तरीके से करेंगे और उस बंदे को भी हम ट्रेस कर रहे हैं जिसने वो सूचना दी थी। मैं 14 तारीख को अपने आवास पर बैठा था भाई साहब, अचानक यहाँ पुलिस आई, उन्होंने मेरे ऑफिस में जो है तलाशी शुरू कर दी। मैंने कहा भाई क्या बात है, तो बोले आपके खिलाफ जो है किसी ने फ़ोन करा है एएसपी साहब को कि आप जो है गलत उसमें हो, स्मैक का काम करते हो। मैंने कहा भैया चेक कर लो। उससे पहले भी मेरी गाड़ी जो है, मेरे पास वाहन थे उनकी चेकिंग कराई गई कि चोरी की गाड़ी है, वो भी मैं सही पाया गया।
एक आदमी ने और मेरे खिलाफ़ फ़ोन करा था मेरा नाम लेके के मैं टोनी पठान बोल रहा हूँ, यहाँ पर खनन और ये हो रहा वो हो रहा, उसकी जब जाँच पुलिस ने करी उसमें भी मैं सही पाया गया। इस तरीके से जो मैं जुल्म और अत्याचार लोगों पर गरीब मजलूबों पर होता उस आवाज़ को मैं उठाता हूँ, तो ये बेईमान लोग जो इस काम को कर रहे हैं मुझे फंसाने की कोशिश में है कि किसी तरीके से इसे फंसाया जाए, क्योंकि वो मुझे खरीद तो सकते नहीं, मुझे खरीदने के लालच देते हैं कि बार बार के भाई तुम इतने रुपए ले लो इस काम में मत आओ इसमें, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच्चाई के साथ हूँ और गरीब मजदूरों की दबे कुचले लोगों की हमेशा आवाज़ उठाता हूँ और अधिकारियों को अवगत कराता रहता हूँ, पुलिस का सहयोग करता रहता हूँ। उसके बाद भी मुखबरों ने जो नंबर से किसी नंबर से फ़ोन करा है वो नंबर मुझे मिला है, वो नंबर स्विच हो पा रहा है, रात उससे उसने फ़ोन उठाया मगर बात नहीं करी है, मुझे एक साजी सोची समझी साजिश के तहत फंसाना चाह रहे हैं कि ये आदमी को इसे फंसा दो तो ये अपनी जो है जेल चला जाएगा, फिर हम मनमानी से जो है क्षेत्र में लूट खसोट करते रहेंगे, लोगों का हरण गरीबों का हरण करते रहेंगे। मुझे कभी भी जो भी अगर कोई झूठी आरोप लगता है कोई बात है तो इन्हीं लोगों की साजिश से मुझे फंसाया जा रहा है, मेरा शासन प्रशासन से यही है और कप्तान साहब से बात मेरी हुई है, उसकी जांच हो रही है मामले की, जिस तरीके से मुझे फंसाने की कोशिश करी जा रही थी उसमें जांच चल रही है, दोषी जो होंगे उन्हें सज़ा मिलेगी। बस मुझे पुलिस ने मुझे कोई भी वारंट नहीं दिखाया, पुलिस ने खाली यही आके मेरे ऑफिस में छानबीन शुरू कर दी कि भाई तुम्हारे खिलाफ़ जो है स्मैक का धंधा हो रहा है, तुम्हें ये वो है, उससे पहले भी कई बार मेरे यहाँ पुलिस की रेड पड़ चुकी है, मेरी बार बार बेइज्जती हो रही है, एक सम्मानित आदमी दो बार बदरपुर विधानसभा से मैं MLA का चुनाव लड़ा हुआ हूँ, मेरा भाई मात्र 50 वोटों से मेरे भाई को इन लोगों ने बेमानी से हराया है, हम जबकि सब जनता जानती है कि लखेड़े की, कि आप पता कर सकते हो टोनी पठान के परिवार से कोई भी ऐसा गलत काम आज तक नहीं हुआ है, ये लोग मुझे झूठा फंसा रहे हैं और मेरी आवाज़ को दबा रहे हैं जिससे इसके हौसले पस्त करे जाएं। तो थेवी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बन रही है फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ, धन्यवाद।